हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन का हेतु, प्रयोजन, इरादा क्या है वो हम देखेंगे। मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग ये दुनिया में जब आए तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आए हो। सफल लोग ये जानते हैं ये दुनिया में क्यों आए हैं और उनके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उनका हेतु क्या है, उनको करना क्या है लाइफ में। क्योंकि यदि आपके सामने यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आप जीवन में भटक जाओगे। यदि आप आपके गांव के रेलवे स्टेशन पे जाते हो और वहां वो जो टिकट देने वाला है, विंडो है, वहां जाके उसको बोल दे कि मुझे एक टिकट दे दो, तो आपको पूछेंगे आपको जाना कहाँ है। आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं टिकट दे दो, तो उसको पूछेंगे, वो पूछेगा जाना कहाँ है भाई, कौन से गांव जाना है, कौन से तारीख पे जाना है, कौन से क्लास का टिकट होना, ये तो पूछेगा। मगर हम हमारा जीवन ऐसा नहीं जीते। तो हमको करना क्या है लाइफ में, जीवन में करना क्या है, तो जीवन का उद्देश्य मालूम होना या प्रयोजन मालूम होना, इसका मतलब कि जो काम आप अच्छा कर सकते हो वो करना, जो काम के ऊपर आप प्यार करते हो वो करना, और जो काम आपको महत्वपूर्ण लगता है वो काम करना। आप जिसमें पैशनेट हो वो काम करना, जहां आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, आत्म अभिव्यक्ति है, वो काम करना। और वो आप कैसे पहचानोगे? यदि आप कोई भी काम 12-12 घंटे करते हैं और वो 12 घंटे में आपको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तभी भी आप यदि बिना थकान के वो काम 12-12 घंटे करते हैं, तो समझ जाना कि वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो आपका पैशन है, और उसमें पैसा मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। तो जो काम आप पैशनेटली करते हो, कुछ भी आपको भूख प्यास लगती नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं, तभी भी आपको काम करने में मजा आएगी, ऐसा काम यदि आप अपनी जिंदगी में करते हो और बाय द वे पैसा मिल गया, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि हमारा यदि जीवन मालूम ही नहीं हमको कि हम जीवन काय के लिए जीते हैं, जहां अपना सेल्फ, यानी बहुत सारे लोग क्या होता है कि जहां सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, जहां पैशन नहीं है, वहां काम करते रहते हैं। काफी सारे लोगों को पूछा कि आप जो काम करते हो वो काम में मजा आता है? बोलते नहीं हमको मजा नहीं आता, मगर पैसा मिलता है करके काम करते हैं। तो जीवन का उद्देश्य पक्का करो, नहीं तो होता क्या है कि लोग बोलते टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, और टाइम नहीं करके सीढ़ी लगाई हुई है दीवार के ऊपर, और वो सीढ़ी चढ़ते 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 फास्ट जा रहे हैं और बोलते नहीं हमको समय नहीं है, समय नहीं है, और वहाँ ऊपर जाके पहुँच गए, और ऊपर पहुँचने के बाद में मालूम पड़ता है कि अपन ने गलत दीवार के ऊपर सीढ़ी लगाई थी। तो अपना यदि उद्देश्य बराबर रहा तो, मतलब दीवार सही रही तो सीढ़ी भी बराबर लगाई जाएंगी और आप बराबर सही दिशा में निकल जाओगे। तो जीवन का उद्देश्य पक्का करना, ये पर्पस ऑफ लाइफ। और आपके जीवन का उद्देश्य वैसे ही आपके धंधे पाने का, जो आप धंधा करते हो, जो आप बिजनेस करते हो, उसका उद्देश्य क्या है, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हो जीवन में, यदि वो क्लियर होगा और उसमें फिर आपका मिशन क्लियर होगा कि मेरा मिशन क्या है धंधे में, अपने जीवन में, तो फिर देखो लाइफ जीने में कैसी मजा आएगी। क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमको जिंदगी में समाधान, सुख, शांति चाहिए, शक्तिशाली जीवन जीने में हम इंटरेस्टेड हैं, हमको मन की शांति चाहिए, सभी को, मतलब ह्यूमन बीइंग को पावरफुली उसको लगता है कि हमें पावरफुली जीवन जीना चाहिए, तो वो जरूर मिलेगी। तो इसके लिए जो काम के ऊपर आपका प्यार है वो काम करना चालू करो। ऐसा बोलते कि चूज अ जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन लाइफ। आपके जीवन के ऊपर आप जो काम करते हैं वो काम के ऊपर प्यार करना चालू करो, जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करना चालू करो, और नहीं वो अच्छा लगता नहीं है तो जो काम अच्छा लगता है वो काम करना चालू करो। क्योंकि हम जब लोगों को पूछते हैं तो लोग बोलते नहीं काम में मजा नहीं आ रहा है, थकान महसूस हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं है। तो आज से ये तय करो कि हम ये जिंदगी में, जीवन में आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पैशन क्या है, देखो लाइफ में कैसी मजा आएगा, कैसा मजा आ जाएगा। आपके परिचित काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो उनको काम में मजा नहीं आता है, थक जाते हैं, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको समझ में आएगा
कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पैशन नहीं है। एक तो वो नया काम चालू करेंगे जहाँ उनका पैशन है, या फिर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करना चालू करेंगे। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।